गाइज इंडियन मार्केट में 20,000 के प्राइस में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं, और अगर आपको टेक की ज्यादा नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली इस प्राइस में एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढने में आपको काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। आपकी इसी दिक्कत को दूर करने के लिए मैं आपको बताऊंगा 5 सबसे लेटेस्ट और सबसे तगड़े स्मार्टफोन के बारे में। इन स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर, 144 हर्ट्ज वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले एंड एक अच्छा OIS वाला कैमरा भी मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज 5वें नंबर पर जो लेटेस्ट फोन आता है उसका नाम है इन्फिनिक्स जीरो टर्बो। इसी मंथ ये फोन लॉन्च हुआ है एंड परफॉर्मेंस इसकी मेन हाईलाइट है। डायमेंसिटी 1080 का न्यू प्रोसेसर इन्फिनिक्स ने इसमें सेट किया है एंड इसका अंतुतु स्कोर 4,90,000 के प्लस आता है। सेम यही प्रोसेसर 25,000 से 30,000 वाले फोन्स में मिलता है एंड नो डाउट परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन की काफी अमेजिंग है। इससे आप PUBG, COD, BGMI एंड फ्री फायर इन सभी गेम्स को स्मूथली खेल पाओगे। 6.7 इंच की बड़ी डिस्प्ले पर यह फोन आता है और फास्ट रिफ्रेश रेट है वो भी 120 हर्ट्ज का। जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो ठीक है लेकिन कैमरा बेकार है। 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। भाई कैमरा इसका बकवास है। भाई कैमरे से इसके आप ज्यादा उम्मीद मत करना। इन्फिनिक्स को इसके सॉफ्टवेयर पर और भी ज्यादा वर्क करने की जरूरत है क्योंकि इसमें काफी सारे एड्स आते हैं जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगा। 2 सिम और एक अलग से मेमोरी कार्ड आप इसमें लगा सकते हो। इसकी जो 5000 mAh की बैटरी है उससे हैवी यूजेज में आपको 6 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। फाइनली बात करें इसके प्राइस की, तो इसके 8128 का प्राइस 17,999 रुपए है। ये फोन उनके लिए है जिनका बजट 18,000 तक है और उनको इस प्राइस में एक गेमिंग फोन लेना है, तो तब आप लोग इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। बात करें नंबर 4 पर आने वाले स्मार्टफोन की, तो नंबर 4 पर आता है Redmi Note 12 5G। अगर आपको इस प्राइस पॉइंट में Redmi का एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन बाय करना है तो ये परफेक्ट चॉइस है आपके लिए। इसमें 120 हर्ट्ज वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगी है एंड इस प्राइस में ये डिस्प्ले सबसे बेस्ट है। कोई भी कमी आपको इसकी डिस्प्ले में नहीं लगेगी। 48 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरे पर ये स्मार्टफोन आता है। इसके कैमरे से आप अच्छे फोटोज क्लिक कर पाओगे वो भी सिर्फ डे लाइट में, एंड वीडियोज के लिए ये फोन बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इसमें स्नैपड्रैगन 4 जेन 1 का प्रोसेसर लगा है। ये प्रोसेसर हल्की फुल्की गेमिंग के लिए ठीक है और वैसे 40 FPS तक की गेमिंग ये स्मार्टफोन आपको करा देगा। इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि सपोर्ट करती है 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को। फाइनली बात करें इसके प्राइस की, तो इसके 4128 का प्राइस 18,000 रुपए और 6128 का प्राइस 20,000 रुपए। वैसे अगर आपको Redmi का ही फोन लेना है तो तब आप इसको परचेज करें, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो। इसके बाद नंबर 3 पर आते हैं वन एंड ओनली मोटो G82 5G। ये फोन इस प्राइस का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। जो स्पेक्स आपको एक ऑलराउंडर फोन में चाहिए वो सब स्पेक्स आपको इस फोन में मिल जाते हैं। 120 हर्ट्ज वाली प्योरली डिस्प्ले इस फोन में लगी है एंड इस प्राइस में ये डिस्प्ले सबसे बेस्ट है। कोई भी कमी आपको इसकी डिस्प्ले में देखने को नहीं मिलेगी। और मैं आपको बता दूं ये सबसे सस्ता फोन है जिसके कैमरे में OIS मिलता है। 50+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा इसके बैक में लगा है और फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। इसके कैमरे के जो फोटोज हैं वो ठीक आते हैं। ओवरऑल अच्छा खासा कैमरा आपको इस फोन के अंदर मिल जाएगा। इस फोन में आपको बिल्कुल क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड है और यहाँ पर आप लोग एक सिम और एक अलग से मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। अब बात करें इस स्मार्टफोन की ताकत की, तो ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 695 के प्रोसेसर पर आता है और सबसे बढ़िया बात टोटल 13 5G बैंड को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। 40 FPS की कंटिन्यू गेमिंग आप लोग इस स्मार्टफोन से कर सकते हो और इसके बॉक्स में 33 वोल्ट का चार्जर मिलेगा जो 5000 mAh की बैटरी को तेजी से चार्ज कर देगा। अब बात करें इसके प्राइस की, तो इसके 6128 के लिए आप लोगों को 19,000 रुपए पे करने पड़ेंगे और 8128 के लिए 20,500 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर आप लोगों को 18 से 20,000 के बीच में एक ऑलराउंडर फोन लेना है तो ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बिल्कुल टॉप नॉच रहेगा। सो गाइस अब बात करते हैं इस लिस्ट के सबसे पॉपुलर एंड सबसे पावरफुल ऑलराउंडर फोन के बारे में। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है IQ G6 Pro 5G। इस प्राइस के सबसे पावरफुल प्रोसेसर पर ये फोन आता है। इसमें स्नैपड्रैगन 778G का पावरफुल प्रोसेसर लगा है और इस स्मार्टफोन से आप लोग स्मूथ एक्सट्रीम तक गेमिंग कर सकते हो। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको बिल्कुल टॉप नॉच मिलेगी। टोटल 7 5G बैंड को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है और इसकी फ्रंट में जो डिस्प्ले है वो नॉच वाली है। 6.44 इंच की एमोलेड डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में लगी है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। भाई देखने में डिस्प्ले ज्यादा अच्छी नहीं लगती लेकिन जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो बिल्कुल जबरदस्त है। इसकी डिस्प्ले में ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा लेकिन इसमें 3.5mm का हेडफोन जैक नहीं है। बात करें इस स्मार्टफोन के प्यारे से कैमरे की, 64+8+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरे पर ये स्मार्टफोन आता है और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। 4K वीडियो रिकॉर्ड आप इसके बैक कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हो एंड जो इसके कैमरा की क्वालिटी है वो इस प्राइस के हिसाब से सबसे बेस्ट है। ओवरऑल एक अच्छा कैमरा आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगा। 66 वोल्ट का चार्जर आपको डिब्बे के अंदर मिलेगा और 4700 mAh की बैटरी है। अब बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइस की, तो इसके 628 वाले वेरिएंट के लिए आपको Amazon पर 20,999 रुपए पे करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं इस लिस्ट के सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो नंबर 1 पर आता है पोको X5 Pro 5G। ये फोन रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड स्नैपड्रैगन 778G का पावरफुल प्रोसेसर इसमें लगा है और
5,20,000 के प्लस इसका अंतुतु स्कोर आता है। इस फोन से आप 60 FPS की मक्खन जैसी गेमिंग का मजा ले पाओगे। 6.7 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले पर यह फोन आता है। 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट है और ये 10-bit डिस्प्ले है जो HDR10+ को सपोर्ट करती है। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल टॉप नॉच है। कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको इसकी डिस्प्ले में देखने को नहीं मिलेगा। 67W का फास्ट चार्जर आपको डिब्बे के अंदर मिलेगा जो 5000mAh की बैटरी को तेजी से चार्ज कर देगा। 108+8+2 MP का ट्रिपल कैमरा इसमें लगा है और 16 MP की सेल्फी है। इसके बैक कैमरे से आप लोग 4K वीडियोस को 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो। सिक्योरिटी के लिए आप लोगों को इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। भाई प्राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके 628 का ओरिजिनल प्राइस 23,000 रुपए है, लेकिन अगर आप लोग इसको बैंक ऑफर में परचेज करते हो तो ये आपको 21,000 रुपए का मिल जाएगा। इस प्राइस पॉइंट में अभी के टाइम पर ये सबसे टॉप नॉच स्मार्टफोन है। ये है इस टाइम के 20,000 वाले 5 सबसे बेस्ट एंड लेटेस्ट स्मार्टफोन। अब अगर आपका बजट 20,000 से कम है तो मोटो G82 आपके लिए ठीक रहेगा, बट ये हैवी गेमिंग के लिए ठीक नहीं है। और अगर आपके पास बजट की कोई दिक्कत नहीं है, आप 21-22,000 तक जा सकते हो, तो नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों ही स्मार्टफोन ऑलराउंडर हैं। कोई भी यूजर इनको परचेज कर सकता है, लेकिन कैमरा के लिए केवल एक ही बेस्ट फोन है और वो है IQ Z6 Pro 5G। आई होप मैंने आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर अभी भी आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।